हेलो एवरीवन इस वीडियो में बात करेंगे कंपाइलर की क्या है कंपाइलर उसके एग्जांपल एग्जाम्पल देखेंगे देन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस तो अभी तक जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया सबसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज जिसे आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज देन आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं देन ट्रांसलेटर की हेल्प से उसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में इसमें दो ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर और कंपाइलर इंटरप्रेटर को हम स्टडी कर चुके हैं अब हम कंपाइलर को स्टडी करेंगे तो इन सभी टाइटल्स जो आप ये देख रहे हैं इन सभी टॉपिक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप सीक्वेंस वाइज इसे चेक कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं कंपाइलर के मीनिंग से कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो रीड करता है कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को जो लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में और ट्रांसलेट करता है उसे मशीन लैंग्वेज में तो हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब है जिस लैंग्वेज में आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश स्पेनिश किसी भी लैंग्वेज में बाद में ये कंपाइलर उस कंप्लीट सोर्स कोड या प्रोग्राम को कंपाइलर ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं मशीन सिर्फ जीरो एंड वन को समझती है आप कमांड देते हैं हिंदी इंग्लिश में तो कंपाइलर यहाँ पे क्या करता है जो आप कमांड देते हैं उसे वो ट्रांसलेट कर देता है मशीन की लैंग्वेज में जो कि जीरो एंड वन है अब कंपाइलर क्या करता है वो एरर को स्पेसिफाई करता है मतलब हाईलाइट करता है जब सोर्स कोड में किसी भी तरह का कोई एरर होता है तो अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है तो वहाँ पर वो स्पेसिफाई कर देता है और इन एरर्स को रिमूव करना होता है इससे पहले कि कंपाइलर आपके सोर्स कोड को सक्सेसफुली रिकम्पाइल करें तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सोर्स कोड को कंपाइलर अच्छे से रिकम्पाइल करे और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाए तो इसके लिए आपके जितने भी एरर्स हैं उस सोर्स कोड में आपको उन्हें पहले रिमूव करना होगा तो एग्जांपल में देखेंगे ये आपका सोर्स कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें आपने जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है जिसमें आप कमांड देना चाहते हैं जैसे यहाँ पर इंग्लिश में कमांड दी गई है आप उसे कमांड देते हैं कंप्यूटर को देन ट्रांसलेटर है हमारे पास कंपाइलर यह ट्रांसलेटर उसे ऑब्जेक्ट कोड जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज है ज़ीरो वन वन ज़ीरो 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 वन उसमें कन्वर्ट करता है अब इंटरप्रेटर जो कि हमने देखा था वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है कंपाइलर पूरे का पूरा पैराग्राफ उठाता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपाइलर आपके सोर्स कोड को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करे तो वो एरर फ्री होना चाहिए अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो उसे कंपाइल नहीं कर पाएगा अब डिस्कस करते हैं कंपाइलर के एडवांटेजेस। सबसे पहला है कि कंपाइलर प्रोग्राम को क्विकली रन करता है क्योंकि यहाँ पर वो ट्रांसलेट करता है पूरी की पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में फाइल जो जनरेट की जाती है कंपाइलर की हेल्प से उन्हें रन किया जा सकता है किसी भी सिस्टम में विदाउट नीड ऑफ एक्चुअल सोर्स कोड तो अगर कोई भी फाइल जो कंपाइलर की हेल्प से जनरेट की गई है आप चाहते हैं कि आपको उसे किसी दूसरे कंप्यूटर पर रन करना है तो अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है तब भी आप उसे दूसरे सिस्टम पर रन कर सकते हैं ये प्रोग्राम को ज़्यादा सिक्योर बनाता है और इससे टाइम भी सेव होता है अब बात करते हैं कंपाइलर के डिसएडवांटेजेस के बारे में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कंपाइलर का कि ये ज़्यादा टाइम लेता है कंपाइल करने में सोर्स कोड को तो सोर्स कोड को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लेता है कंपाइलर लेकिन उसकी एक कंडीशन है ये सिर्फ़ लार्ज फाइल के केस में ही होता है कंपाइलर इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लेता है कंपाइल करने में क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है और पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में तो ये टाइम लेगा जबकि अगर स्मॉलर प्रोग्राम है तो वो कम टाइम लेते हैं कंपाइल होने में दूसरा डिसएडवांटेज है इसका कंपाइलर एक्स्ट्रा मेमोरी ओक्यूपाई करते हैं जब वो नई फाइल को जनरेट करते हैं तो ये था कंपाइलर का मीनिंग एग्जाम्पल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू